लाइनें तुम्हें बनाना चाहूँगा बाद में, उसका और कहानी से समझ जाएगा। वाला तो सुक्कुल, सुक्कुल एक तरह का आम, रेशेदार आम है जो जिसकी तरह ज़्यादा होता है, उसका एक लकड़ी गाँव में खेल होता है, लकड़ी उसमें डंडा होता है, नीचे रख देते हैं और पेड़ पे चढ़ के हवा के खेलते हैं। शुरू करो। पाँच सुक्कुल, पाँच सुक्कुल, पाँच सुक्कुल, सुबह उठा तो मुझे सब ही बोलकर चिढ़ा रहे, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, परेशान थे। दादी ने बताया कि मैं रात में ही बड़बड़ा था। सुक्कुल, मेरे बगीचे का सबसे कोने में खड़ा छोटा सा पेड़, मेरा बाल मनुष्य अपना पेड़ होता था, लेकिन यह अपना पेड़ वगैरह तो ठीक था, लेकिन रात में उसका नाम बड़बड़ाना घर वालों की चर्चा का विषय बन गया। यह बात उस दौर की है जब ग्रीष्म काश बागीचों में आम की रखवाली में बीतता था, मैं आमों के मुजर आने से ही अपने सुक्कुल की देखभाल में लगा था। उस पेड़ से पेड़ के बहुत से कारण जिनमें से एक था उसका छोटा होना, जिससे मैं उस पर लकड़ी खेलते वक्त आसानी से चढ़ सकता था, उसकी डालियाँ मेरे हाथ तक आसानी से आ जाती। इसे देखकर मुझे किताब में पढ़ी हुआ कहानी याद आती थी जिसमें पेड़ बच्चे तक अपनी तनाएँ झुका लेता था। उस कहानी को पढ़ने के दौरान मैं उस बच्चे की जगह खुद को पाता। उस पेड़ से निकलने वाले सभी आम मेरे हिस्से में आते और उन आमों को मैं अपने स्कूल बैग में भरकर साफ सोता था। दिन में कई दफ्ते उनकी गिनती करता था कि कहीं कोई आम कम तो नहीं। एक दिन सुबह सोकर जगने पर किसी ने मुझे चिढ़ाने के लिए कह दिया कि रात में आने में स्कूल गिर गया। मुझे याद है मैं तब तक रोता था जब तक उस पेड़ को देख ना आया। इन्हीं दिनों किसी बच्चों की पत्रिका में मैंने पढ़ लिया कि आधी में बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पेड़ आपस में एक दूसरे से सहारा देते हुए टिके रहते हैं। उस दिन के बाद मुझे सुकून हुआ कि नहीं, मेरा सुकून नहीं। आज जब भी उस रात के बड़बड़ाने का स्मरण होता है तो सोचता हूँ आखिर क्या था उस पेड़ में जो रात के सपने में आ गया। और कुछ तो नहीं आया, ना मेरी पसंदीदा मिठाइयाँ, ना मेरा क्रिकेट, ना मेरी प्रेमिका, ये सब इन सबसे एक तो मैं प्रेम करता था, लेकिन इनको लेकर तो नहीं बड़बड़ाया। इसका जवाब आज तक नहीं है मेरे पास, बस आया नहीं। जैसे पढ़ा हुआ तो कुछ कविताएँ पढ़नी शुरू की, पंत को पढ़ा, दिलारा को पढ़ा, तो लगा कि मुझमें भी कुछ ऐसी शक्तियाँ होती तो सुकुल पर कोई कविता लिख सकता। मेरे ऐसा सोचने के पीछे आशा यह नहीं था कि मैं प्रकृति का किसी सुकुमार कवि ऐसा कुछ बनूँ, बल्कि मुझे लगता था कि ऐसा कर देने से यह सुकुल और भी लोगों के सामने में आएगा और फिर उन तमाम आम के पेड़ों को कोई उसी हक से अपना करेगा। आजकल मुझे सपने आने बंद हो गए, सपने जैसे लाइफ नींद भी नहीं आती। सुबह जल्दी उठकर काम पर जाना होता, बहुत कोशिश की उस सुकुल को समझ कर सोने की, लेकिन कोई सपना नहीं आता नहीं कैसे, क्योंकि एक रोज मुझे खबर मिली कि सुकुल काट दिया गया और वहाँ कार खड़ी करने के लिए एक जगह बनाई जा रही। मैंने घर के छोटे बच्चों से इस बार पूछ लिया था कि क्या तुम्हें सपने में कारें आती हैं, जवाब मिला ये भी कोई सपने में आने की चीज़ है। इस घटना के बाद मुझे एक सपना आने लगा, काली, लाल, हरी और नीली रंग की तमाम कारें रेंगती हैं और काटे गए पेड़ों की ठूंग